बिला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पत्थर खान से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कलयुगी पिता द्वारा अपने ही नाबालिग पुत्री से बलात्कार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी का चरित्र पहले से ही खराब है। उसके द्वारा पहले भी मानसिक रूप से पीड़ित महिला के साथ बलात्कार किया गया था, जिस पर बलात्कार के मामले में 5 वर्ष की सजा भी काट चुका है और इसी तरह के हरकतों की वजह से उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद 8 नवंबर को लगभग रात 10 बजे आरोपी व उसकी पुत्री घर पर अकेले थे, जिसका फायदा उठाते हुए उसके साथ आरोपी द्वारा बलात्कार किया गया। इस घटना के बाद पीड़ित बिलहा की ओर भागी, साथ ही आरोपी पिता भी लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन 112 गाड़ी को देखकर आरोपी भाग खड़े हुआ। इस पूरी घटना की रिपोर्ट पीड़िता व उसके चाचा चाची द्वारा बिलहा थाने में दर्ज कराई गई है, जिस पर बिलहा पुलिस द्वारा फरार आरोपी की जांच करते हुए मामले की तफ्तीश की जा रही है। दो जने रहते हैं, अपने पुत्री को गुलाब को पानी मंगवाया आंगन में, गुलाब को लाने के बाद उसको बोला तुम बैठ जाओ यहीं पर। गुलाब को करने के बाद अपनी पुत्री को खींचते हुए शेखू के घर के पीछे तरफ ले गया और जोर जबरदस्ती के साथ बलात्कार की घटना कार्य किया। जब उसकी बच्ची दौड़ते घर तक आई, उसके पीछे वह भी आया, उसको लगा कि अपनी चाचा चाची घटना की बात बता दिया है, इसलिए अपने बच्ची को घर में बंद करके डंडा से काफ़ी मारपीट किया। तब उसके फिर चाचा चाची लोग भी आए रात को ही, तो उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा किया। सुबह फिर उनके साथ किसी को बता देने की शंका में फिर मारपीट करने लगा और लड़की को मालूम न करके दौड़ाने लगा, तो लड़की फिर दौड़ते फिर तुम बिलहा तक आई थी। बिलहा आपने 112 के कर्मचारी बताया, तो 112 वाले उसको थाने ले आए, उसने बताया कि मेरे पिताजी मेरे साथ गलत काम किया है, अभी मारने के लिए दौड़ा रहे। तब वो लड़की को थाना में रखवा कर उसे चाचा चाची बुलवाया गया, उसके परिवार के दादा को और आरोपी तलाश के लिए स्टाफ भेजा गया और घर से भाग गया था। घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। तत्पश्चात चूंकि 14 वर्षीय नाबालिग बालिका है, इनकी रिपोर्ट महिला अधिकारी के द्वारा लिखा जाना होता है, इसलिए महिला थाना से प्रभारी मैडम आई और FIR दर्ज करी उनके द्वारा। तत्पश्चात बालिका का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया है, कल उनका 164 कथन कराया जाना है। आरोपी तलाश से तो मुखबिर लगाए गए हैं, स्टाफ भी लगाए गए हैं, अभी कुछ पता ही चला है, उसको जल्दी पकड़ कर उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।